कक्षा 10 का ये जैव प्रक्रम अगले वीडियो में आपने पादप जंतुओं के पोषण के बारे में आप पढ़े, तो पादप के बारे में हमने बता दिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको बता दिया। अब देखते हैं कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है। पादप में तो आप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जान गए, जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो जंतुओं के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जंतु दो प्रकार के होते हैं, कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो हम देखते हैं एक कोशिकीय जंतु में कैसे पोषण होता है, कैसे उनका जीवन यापन होता है, भोजन कैसे पचाते हैं। इसके बाद जो है हम बहुकोशिकीय जंतु के बारे में पढ़ेंगे। तो एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो हम अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा को आपको पता भी है कि जानते होंगे, अमीबा विखंडन विधि द्वारा अपना जीवन अपने जैसा जीव को पैदा कर लेता है। लेकिन यहाँ हम पोषण के बारे में जानना है, पोषण जंतुओं में पोषण। तो पहला हम देखते हैं कि अमीबा में कैसे पोषण होता है। एक कोशिकीय जीव है और जिस तरह से इसके अंदर पोषण होता होगा उसी क्रम में बहुकोशिकीय जीवों के, सॉरी, एक कोशिकीय जीव के शेष जीवों के अंदर भी इस तरह का होता है। अब जैसे देखते हैं अमीबा में पोषण, अमीबा एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है। अमीबा एवं अन्य सभी प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट में एक समान पोषण पांच पदों में पाए जाते हैं, पांच पदों में पाए जाते हैं। अमीबा के अलावा जो भी एक कोशिकीय जीव है, यह एक कोशिकीय जीव है, और इनके अलावा जितने भी उस तरह के एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं उनके अंदर, जंतुओं के एक कोशिकीय जीव में, पादप के एक कोशिकीय जीव में नहीं, जंतुओं के एक कोशिकीय जीव में अगर एक तरह के जितने भी हैं उनके अंदर पांच पदों में ये पोषण की क्रिया पूरी होती है। अब पांच पद या पांच चरण अब कैसे देखते हैं। पहला अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण जैसे कि अमीबा के बारे में आपको जैसे ये चित्र देख लें, वैसे भी बना दिए, ये अमीबा का चित्र हो जाएगा। आप ऐसे भी बना लेते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, ये अमीबा हो जाता है। तो ये अमीबा का जो एक कोशिकीय जीव है उसके अंदर पांच में पहला चरण होता है अंतर्ग्रहण। लिख रहा है कि अमीबा में खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण हेतु कोई निश्चित मुख या छिद्र नहीं होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके अंदर मुख है, सारे जीवों को जो आप नज़र से देखते हैं, केचुआ देखते हैं, केचुए के अंदर मुख होता है, जो भी आप पशु देखते हैं सबके अंदर मुख होता है, पक्षी के अंदर मुख होता है। लेकिन यह कह रहा है कि अमीबा में खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण हेतु, यानी उसको ग्रहण करने हेतु कोई निश्चित मुख या छिद्र नहीं पाया जाता है। अब करता क्या है कि जैसे ही यह खाद्य पदार्थ के संपर्क में आने पर यह उसकी ओर गति करता है। जैसे यहाँ अगर अमीबा है, यहाँ खाद्य पदार्थ है, तो यह अमीबा अगर इसके थोड़ा भी संपर्क में आता है तो इसके साथ गति करता है, और गति करके इस अमीबे के अंदर इसी तरह अंगुली नुमा उत्पाद होता है, उत्पाद पाया जाता है जो चलने में भी उसके सहायक होता है, और ये भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। देखिए यहाँ लिखा हूँ मैं, इसके अंगुली सदृश्य यानी जैसा प्रवर्ध या कूटपाद खाद्य पदार्थ को चारों ओर से घेर लेता है, ऐसे चारों ओर से घेर लेता है। जब इसको घेर लेता है तो उस परिस्थिति में उस जिसके परिणाम स्वरूप इनकी कोशिका में, जो हमारी एक कोशिकीय है कोशिका होती है, कोशिका में मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिका में मेम्ब्रेन से घिरी एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका, रिक्तिका मीन्स खाली स्थान, यानी उस खाद्य रिक्तिका बन जाती है, ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसमें कोई इसकी क्रिया बाहर से नहीं, यह एक उनका जैव प्रक्रम के अनुसार वो क्रिया है। तो जैसे ही ये खाद्य पदार्थ को देखता है उसके तरफ गति करता है, उसको चारों ओर से घेर लेता है, और उसके परिणाम स्वरूप जैसे ही वो घेर लेता है तो एक कोशिकीय होने के कारण उसकी कोशिका में मेम्ब्रेन से घिरी एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है।
अब देखते हैं क्या होती है जब यह खाद्य रिक्तिका बन जाती है। अमीबा द्वारा खाद्य पदार्थ के अंतर्ग्रहण की यह प्रक्रिया कोशिका भक्षण कहलाती है। अब जब खाद्य रिक्तिका बन जाती है तो यह पहला चरण इसका पूरा हो जाता है, यानी वो कोशिका भक्षण, यानी कोशिका भक्षण इसको कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जितनी ये घेरना, उसके तरफ गति करके और चारों तरफ उसको घेर लेना, वो उसे हम कोशिका भक्षण कहते हैं। दूसरा चरण इसका है पाचन। अब वो कोशिका भक्षण कर लिया, यानी कोशिका जो है एक कोशिकी उस खाद्य पदार्थ का भक्षण कर लिया, यानी उसको अंतर्ग्रहण करें, अंतर्ग्रहण मतलब अपने अंदर ग्रहण कर लिया। अब क्या करता है, अब उसके बाद पाचन होता है। जैसे आप भोजन करते हैं तो यहाँ बस एक बात देखना है कि आपके अंदर मुख होता है, कोशिका के अंदर मुख नहीं है। और आप जब ग्रहण भोजन करते हैं तो आपका भी पाचन क्रिया होती है। अब इसमें पाचन क्रिया और मनुष्य के पाचन क्रिया, अन्य जीवों की पाचन क्रिया में अंतर है। अब इसको देखते हैं कि पाचन में क्या होता है, कि जो खाद्य रिक्तिका है, खाद्य रिक्तिका में उपस्थित खाद्य पदार्थ पाचक एंजाइम, अब पाचक एंजाइम आप में भी पाए जाते हैं, सारे जीवों में पाए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम जो होते हैं ये भोजन को पचाने में काम करते हैं। जैसे मनुष्य में लार ग्रंथि में ही पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे टाइलिन कहते हैं, तो वो उनके अंदर भी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। खुद खाद्य रिक्तिका में उपस्थित खाद्य पदार्थ पाचक एंजाइम की सहायता से पाचन करता है, यानी वो पाचन एंजाइम में जैसे ही जाता है, एंजाइम का काम होता है किण्वन करना, एंजाइम को विकर भी कहते हैं, एंजाइम का काम होता है किण्वन करना, यानी उसको तोड़ देना। जस्ट लाइक जिसे आपको आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे भोजन टूटता है, तो ये पाचन क्रिया इसकी हो जाती है। अब पाचन क्रिया के बाद ये अवशोषण होता है। दो स्टेप इसका पूरा हुआ और तीसरा स्टेप होता है अवशोषण। अब यह कह रहा है कि खाद्य रिक्तिका में उपस्थित पाचन के अंतिम उत्पाद अमीबा के कोशिका द्रव्य में अवशोषित होकर विसरण द्वारा कोशिका के सभी भागों में पहुंच जाते हैं। इसको समझिएगा, खाद्य रिक्तिका में उपस्थित पाचन, यानी जो भोजन उसने यहाँ ग्रहण किया, खाद्य रिक्तिका बनी, वो पच गई, और पचने के बाद इसका अंतिम जो उत्पाद होगा, पच जाने के बाद अब वो क्या होता है कि अमीबा की कोशिका द्रव्य में, वो कोशिका है उसके अंदर कोशिका द्रव्य है, पहले कई बार इसको बता चुका हूँ, कोशिका द्रव्य में अवशोषित होकर विसरण के माध्यम से, विसरण द्वारा कोशिका के सभी भागों में पहुंच जाता है। कोशिका के सभी भागों में, यानी अब कोशिका के कह रहा है कि सभी भागों का मतलब इसके अंदर केंद्रक भी है, आरएनए है, डीएनए है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है, यानी सभी भागों में यह पहुंच जाता है। क्या, जो यह भोजन को ग्रहण करता है और उसके पचने के बाद जो मूल चीज बचती है, अंतिम उत्पाद मूल चीज बचती है, वो इसमें चली जाती है। फिर इसके बाद चौथा स्टेप आता है स्वांगीकरण का। स्वांगीकरण, ये स्वांगीकरण जो है इसको देखते हैं कि यह कैसे, किस विधि द्वारा होता है। अवशोषित भोजन अमीबा के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के बारे में बताया जा चुका है। उपापचयी क्रियाओं से प्रयुक्त होता है, कुछ भाग ऊर्जा प्रदान करता है और कुछ भाग जो है जीव द्रव्य का हिस्सा बन जाता है, इसी को स्वांगीकरण कहते हैं। ये हमारी स्वांगीकरण विधि है। तो अवशोषित भोजन अमीबा के विभिन्न भागों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा प्रयुक्त होता है, और इसका कुछ भाग जो होता है अमीबा को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। अगर उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कोई कार्य नहीं करेगा, कार्य करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा प्रदान करता है। और इसका जो कुछ भाग बचता है वो जीव द्रव्य का हिस्सा बन जाता है, इसी सारी घटना को स्वांगीकरण कहते हैं। विक्षेपण, अब यहाँ देखें आपके पांच पदों में या पांच चरण में, तो चार चरण आपने देखा, पांचवा चरण विक्षेपण कह रहा है। कि विक्षेपण का मतलब होता है जो अपच्य पदार्थ, जो अवशेष पदार्थ रहते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं, जैसे बड़े जीवों में मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसी को विक्षेपण कहते हैं। लेकिन अमीबा में कह रहा है वो, इसके लिए अमीबा में कोई निश्चित स्थान नहीं होता, यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है।
कि सारे जीवों को बहिक्षेपण करने के लिए एक निश्चित स्थान होता है और भोजन करने के लिए निश्चित स्थान होता है, लेकिन अमीबा में इस दोनों के लिए, जैसे अभी पहले में आपने पढ़ा कि मुख नहीं अमीबा में पाया जाता है, उसके जो है कूटपात जो है भोजन को अवशोषित करते हैं, उसी तरह से इसमें बहिक्षेपण के लिए निष्क्रिय पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई एक उसके अंदर निश्चित स्थान नहीं होता है। वो करता क्या है कि खाद्य रिक्तिका अवशोषण के बाद एक अवशेषी काय में परिवर्तित हो जाती है, ये स्वतः क्रिया होती है। ये मैं पुनः बता दूं कि इसके अंदर ये स्वतः क्रिया होती है कि वही जो रिक्त खाद्य रिक्तिका होती है वो अवशोषण कर लेने के बाद अवशेषी काय में परिवर्तित हो जाती है, और जब अवशेषी काय में परिवर्तित हो जाती है तो इसी में अपच्य पदार्थ यानी जो उसके अंदर भी जो भी वो भोजन करता है, कोई भी जीव अगर भोजन करता है तो जो उसका पाचन के बाद जो कुछ भाग जो बच जाता है वो बहिक्षेपण के द्वारा यानी मल के रूप में शरीर से किसी न किसी से बाहर किसी तरह से बाहर निकल जाता है। तो अब ये क्या अमीबा के अंदर क्या होता है कि इसी में अपच्य पदार्थ कुछ समय के लिए संघकृत रहता है यानी उसके साथ रहता है, और कुछ देर के बाद वे पदार्थ शरीर से 137 ये विधि है प्रक्रिया है उस अमीबा के अंदर पाई जाती है यानी एक कोशिकीय जीवों के अंदर पाई जाती है कि 137 प्रक्रिया द्वारा वो निष्कासित कर दिया जाता है यानी वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अमीबा का पूरा या अमीबा के अतिरिक्त जितने भी ये कोशिकीय जीव पाए जाते हैं उन एक कोशिकीय जीवों में इसी तरह का पोषण होता है, और अंतिम में जो ये बहिक्षेपण होने के बाद अब जो शेष बचा एंजाइम के द्वारा जो उसके अंदर ऊर्जा के रूप में जो पदार्थ इकट्ठा किया और उससे वो अपना ऊर्जा प्राप्त करता है और पुनः अपने जैसा जब उसकी कोशिका विभाजित होती है, सपोज दैट ये अमीबा है और जब ये अमीबा के अंदर इसके अंदर जब ये कोशिका इसकी विभाजित होती है तो ये अपने जैसा जो है दूसरा जीव बना लेता है, और दूसरा जीव भी सेम प्रक्रिया उसी तरह से करता है, भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, पाचन करता है, अवशोषण करता है, स्वांगीकरण करता है और बहिक्षेपण करता है। ये 5 स्टेप में इसका पूरा भोजन की प्रक्रिया पोषण की प्रक्रिया पूरी होती है और जीवन पर्यंत अमीबा और एक उसकी जीव इसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।